राजस्थान जयपुर में एक 7 साल की मासूम को न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया। 37 लोगों ने गवाही दी, 58 दस्तावेजों का अवलोकन हुआ और इस मासूम के गुनाहगार को आखिरकार फांसी की सजा मिली। मामला झालावाड़ा जिले का से जुड़ा हुआ है। यहां के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में 1 साल पहले एक नाबालिग की बलात्कार और हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जिले में पॉस्को कोर्ट खुलने के बाद बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा देने का ये दूसरा मामला है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहतेतार गुज्जर ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई करते हुए पॉस्को का कोर्ट में प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने आरोपी मोगिया बेह निवासी कोमल लोधा को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने नाबालिग की बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के मकसद से बालिका की चप्पल खेत से 200 मीटर दूर कुएं के पास छुपा दी थी। इस मामले में पॉस्को कोर्ट प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने सुनवाई करते हुए 37 गवाहों और 58 दस्तावेजों का अवलोकन पर आरोपी मोगिया बेह निवासी कोमल लोधा को फांसी की सजा सुनाई।